Okay, so in last session we also did about how to write the data into the file. So now today we have to see how to read data from the file. Okay, so for that some functions we have to use and some classes we have to use. Just like we use some classes or constructor for writing data into the file. Okay, so basically this is our writing function and writing classes. That is, OF stream is used for write the data into the file, and IF stream is used to take input, means reading the data from the file. So for that some file modes we have studied, and then we studied how to write the data into the file. Then now we have to understand the concept of reading data from the sequential access file. So how to read a data from files? For reading, one class is present in the AppStream library. So that is IAppStream for only reading purpose, means only to take input from the file. So हमारे पास एक AppStream हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस है, ओ एफ स्ट्रीम एंड आई एफ स्ट्रीम. सो ओ एफ स्ट्रीम इज ओनली यूज फॉर राइटिंग पर्पज, मीन्स टेकिंग आउटपुट टू दी फाइल, एंड आई एफ स्ट्रीम इज यूज फॉर रीडिंग पर्पज, मीन्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम दी फाइल. सो आज हमें देखना है रीडिंग किस तरीके से किया जाता है. फाइल में अगर कुछ डेटा है, इंफॉर्मेशन है, हाउ टू रीड दैट इंफॉर्मेशन इन टू दी प्रोग्राम फ्रॉम दी फाइल. सो एक फाइल होगी जो आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होगी, एंड उस फाइल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन सेव किया होगा आपने, तो वो इंफॉर्मेशन आपको रीड करना है बाय यूजिंग आई एफ स्ट्रीम क्लास. सो आई एफ स्ट्रीम का एक कंस्ट्रक्टर है, उसे आप कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. सो एक पहला स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एफ स्ट्रीम इन क्लाइंट फाइल, देन इन ब्रैकेट फाइल नेम कॉमा iOS एंड स्कोप रेजोल्यूशन इन. सो हमने कुछ फाइल मोड देखे थे, एंड फाइल नेम तो आप सभी को पता होगा, फाइल नेम मीन्स जो भी फाइल आपने मेमोरी के अंदर स्टोर किया है उसको एक फाइल रहेगा विथ एक्सटेंशन. एक एक्सटेंशन भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल होगा, या फिर वर्ड फाइल होगा, या फिर उसका बैच बैच फाइल होगा, या फिर बाइनरी फाइल होगा. सो अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं. फाइल नेम विथ एक्सटेंशन आपको वहां पे फाइल नेम में देना है, एंड आई एफ स्ट्रीम यूज होता है आपका रीडिंग पर्पज के लिए. सो आपको अगर फाइल सिर्फ रीड करने के लिए यूज करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए आपको उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा. एंड कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंटेक्स दिया है, आई एफ स्ट्रीम इन क्लाइंट फाइल मीन्स ये ऑब्जेक्ट नेम है, इन ब्रैकेट फाइल नेम. सो फाइल नेम मीन्स आप जो भी फाइल ओपन करना चाहते हो रीडिंग पर्पज के लिए, उसका फाइल नेम विथ एक्सटेंशन यहाँ पे देना है. देन iOS मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एंड उसमें आपको मोड देना है, मोड किस तरीके से आपको किस पर्पज के लिए ओपन करना है. सो आपको आपका पर्पज क्या है? फॉर टेकिंग इनपुट. सो आप यहाँ पे फाइल मोड इन लिख सकते हो. सो कुछ फाइल मोड हमने आपको दिखाया था यहाँ पे. तो यहाँ पे इन फाइल मोड क्या करता है? इनपुट अलाउ इनपुट ऑपरेशन ऑन दी स्ट्रीम. सो जो स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी उसके ऊपर आप क्या करोगे? इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. तो यहाँ पे फाइल मोड भी देना है. सो दो आपको पैरामीटर्स पास करना है, एक फाइल नेम एंड सेकंड वन इज फाइल ओपनिंग मोड. सो ये फाइल ओपनिंग मोड है, ये आपका फाइल नेम रहेगा. देन मैंने नॉट ऑपरेटर के बारे में भी बताया था, अगर आपको चेक करना है, एरर चेक करना है, सो अगर एरर चेक कर रहा होगा तो उसी ऑब्जेक्ट के सामने आपको नॉट ऑपरेटर दे देना है, ताकि आप चेक कर सकते हो कि फाइल प्रॉपरली ओपन हुआ है कि नहीं है, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं है. मीन्स अगर क्रिएटेड नहीं होगा तो आप उसको रीड कर नहीं पाओगे. सो वहां से एरर थ्रो होगा, एंड उसको आपको क्या करना है? कैच करना है. सो इसमें आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर फाइल रीडिंग पर्पस के लिए एक्सेस अलाउ नहीं होगा उसको, तो वहां पे एरर जनरेट होगा, एंड उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो आप नॉट ऑपरेटर. तो आपको क्या करना है? नॉट इनक्लाइंड फाइल. इनक्लाइंड फाइल क्या है? ऑब्जेक्ट, उसके सामने नॉट लगा देना है. अगर कोई भी एरर जनरेट होता है, कोई भी एरर जनरेट होता है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे नॉट इनक्लाइंड फाइल,
वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ध्यान में रखना कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अगर कोई भी एरर जनरेट नहीं होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स वैल्यू आएगी। ओके सो अगर आपको चेक करना है कि एरर आया है कि नहीं है, तो आप इसको इफ स्टेटमेंट में डाल सकते हो, इफ नॉट इन क्लाइंट फाइल। अगर ट्रू होगा तो इफ के अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इफ के बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एरर भी चेक कर सकते हो, जैसे हमने राइट के लिए चेक किया था उसी तरीके से यहाँ पे रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। देन एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने राइट का जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसी तरीके का एक फिर से एग्जाम्पल लिया है, जिसमें राइट एंड रीड दोनों ऑपरेशन किए। मीन्स एक फाइल के अंदर डेटा राइट किया है पहले, एंड उसी फाइल के अंदर का डेटा रीड किया है। सो एक कंबाइंड प्रोग्राम है जो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि राइट एंड रीड के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम भी अगर आपने लिख लिया तो आपको मार्क मिल जाएंगे। या फिर राइट के लिए, ओनली राइट के लिए अगर पूछा होगा तो भी आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो, ओनली रीड के लिए अगर बोला होगा तो भी आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो। सो तीनों इसमें आप तीनों केसेस में आपको ये आप यूज कर सकते हो। देन तो प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले एफ स्ट्रीम, जैसे मैंने कहा था एफ स्ट्रीम के अंदर आपके कुछ फंक्शन है जो आप यूज करोगे, जैसे ओपन होगा फाइल, क्लोज होगा, देन आपका ओ एफ स्ट्रीम क्लास भी, देन आई एफ स्ट्रीम क्लास है। तो ये अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एफ स्ट्रीम लेना है। देन आई एफ स्ट्रीम हमारा सी आउट सी इन यूज करने के लिए फंक्शंस। देन इंटीजर मेन कैरेक्टर डेटा। सो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, दो इंफॉर्मेशन आपको यूजर से इनपुट लेना है, लाइक एंटर योर नेम एंड एंटर योर एज। सो नेम एंड एज आपको इनपुट लेना है, देन उसी इनपुट लिए डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है, आपको फाइल के अंदर, एक फाइल रहेगी उस फाइल के अंदर आपको स्टोर करना है, एंड उसी फाइल से आपको डेटा रीड करना है बाद में। ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए एक डेटा का एरे लिया है कैरेक्टर टाइप का, जिसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। देन ओपन अ फाइल इन राइट मोड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा राइट करना है, क्योंकि अगर राइट ही नहीं करोगे तो रीड किस तरीके से करोगे। सो उसके लिए आपको पहले राइट ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक क्लास है ओ एफ स्ट्रीम। ओके सो ओ एफ स्ट्रीम का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, ओ एफ स्ट्रीम आउट फाइल। सो आउट फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, देन आउट फाइल डॉट ओपन। सो एक सिंटैक्स है आपको पहले ही बताया था मैंने राइट के वक्त। सो ओ एफ स्ट्रीम मीन्स आप सॉरी आउट फाइल मीन्स आपको ऑब्जेक्ट डॉट ओपन फंक्शन कॉल करना है, एंड इन ब्रैकेट फाइल नेम देना है। साथ में आप इसके क्या दे सकते हो, फाइल ओपनिंग मोड दे सकते हो। अगर फाइल ओपनिंग मोड नहीं देते हो तो भी चलता है, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पर्पज के लिए ओपन करना है तो आप उसमें फाइल ओपनिंग मोड भी दे सकते हो। सो यहाँ पे ए फाइल डॉट डैट एक्सटेंशन है उसका। सो ये एक फाइल क्रिएट की है, एंड ये फाइल को आपको क्या करना है, ओपन करना है फॉर राइटिंग पर्पस, क्योंकि ओ एफ स्ट्रीम का यूज किया है। सो राइटिंग पर्पस के लिए हमने इसको ओपन कर दिया। देन अभी राइट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, एंड यूजर से अगर डेटा आप इनपुट लेते हो तो सी आउट राइट टू द फाइल ये प्रिंट होगा, देन सी आउट एंटर योर नेम ये मैसेज डिस्प्ले होगा कंसोल के ऊपर। जैसे ही आप एंटर करोगे नेम, तो गेट लाइन फंक्शन क्या करेगा, आपका डेटा रीड करेगा फ्रॉम कंसोल, कंसोल से रीड करेगा डेटा एंड उसको स्टोर करेगा इन वेरिएबल नेम डेटा ऑफ लेंथ 100। 100 लेंथ का डेटा है वो रीड करेगा या डेटा के अंदर स्टोर कर देगा। देन अभी ये जो डेटा हमने रीड किया है उसे हमें क्या करना है, हमारे फाइल के अंदर डेटा राइट करना है। सो आउट फाइल जो कि हमने यहाँ पे राइट का ऑब्जेक्ट बनाया था, एंड उसमें क्या करना है, हमें डेटा को राइट करना है। तो जिस तरीके से हम सी आउट जैसे हम कंसोल के ऊपर राइट कर रहे थे, उसी तरीके से डेटा को हमें कहाँ पे, फाइल के अंदर राइट करना है। तो यहाँ तक हो गया एक डेटा आपका राइट आपके फाइल के अंदर, जो कि हमने यूजर से लिया था एंड स्टोर किया है फाइल के अंदर। देन द सेकेंड डेटा इज एंटर योर एज। सो एंटर योर एज ये मैसेज आपको कंसोल के ऊपर आएगा। जैसे ही आपने एज डाल दिया तो इस डेटा के अंदर एज की वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी, एंड वो वैल्यू हमें कहाँ पे स्टोर करना है, अभी फिर से फाइल के अंदर। तो अगेन राइट इनपुटेड डेटा इनटू द फाइल। सो एक ही वेरिएबल लिया है, उसी के अंदर डेटा आपका, जो भी आप डेटा लोगे वो डेटा
वहां पे स्टोर होते जाएगा। तो डेटा में जो वैल्यू रहेगी वो फिर से फाइल में जाके स्टोर हो जाएगी। एंड ये राइटिंग ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट हमारे थ्री थिंग्स थे, ओपन करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड क्लोज करना है। सो जैसे हमारा काम खत्म हो जाएगा हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को outfile डॉट क्लोज फंक्शन से उसे क्लोज कर देना है। ये हो गया है एक साइड का जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है वो है कम्प्लीटली राइटिंग पर्पस, जो भी डेटा आपको राइट करना है उसके लिए। तो अभी हमारी एक फाइल रेडी हो गई ए फाइल डॉट डैट नाम की, जिसके अंदर क्या स्टोर है हमारा वैल्यूज, डेटा फॉर नेम एंड डेटा फॉर एज। सो दोनों वैल्यूज हमारे पास वहां पे स्टोर हो चुके हैं। अभी क्या करना है, रीडिंग पर्पज। सो रीडिंग पर्पज के लिए हम देखेंगे ओपन अ फाइल इन अ रीड मोड, क्योंकि हमने पहले राइट मोड में ओपन किया था तो हम सिर्फ राइटिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते थे, रीडिंग नहीं। सो अगर आपको अभी रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आईएफ स्ट्रीम इन फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है इन फाइल नाम का, देन अगेन इन फाइल डॉट ओपन, सेम फाइल जहाँ पे हमने स्टोर किया था डेटा उसी फाइल को हमें ओपन किया है यहाँ पे इन रीडिंग मोड, देन सी आउट रीडिंग फ्रॉम दी फाइल, ये एक मैसेज डिस्प्ले होगा। एंड जिस तरीके से हम सी इन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन फाइल डेटा, अभी डेटा रीड कर रहा है वहां से, डेटा रीड करके उसको प्रिंट कर देगा। तो ये पहला डेटा रीड हो जाएगा, मींस आपका नेम जो था वो रीड हो जाएगा एंड कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा बाय यूजिंग सी आउट। अगेन सेकेंड डेटा भी रीड करना है जो कि एज है, सो अगेन डेटा इन फाइल एंड सी आउट डेटा, जो भी एज होगी वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से ओपन किया था उसी तरीके से हमें क्या करना है, क्लोजिंग फंक्शन भी इसी के ऊपर लगाना है। सो इन फाइल डॉट क्लोज। तो ये हो गया राइटिंग के लिए, ये हो गया इधर का रीडिंग के लिए। ओके प्रोग्राम समझ में आया सबको, आउटपुट देखते हैं। राइट टू द फाइल, ओके राइट टू द फाइल, एंटर योर नेम, जेएसपीएम जैसे एंटर किया वैसे ही वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फाइल के अंदर। देन एंटर योर एज मैसेज आएगा, जैसे एज डाल दिया वो जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, फाइल के अंदर। एंड जैसे रीडिंग पर्पज के लिए ओपन करेंगे तो रीडिंग फ्रॉम द फाइल, जेएसपीएम पहले रीड होगा उसके बाद नाइन रीड होगा, मीन्स नेम एंड एज। तो इस तरीके से आपको रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इन टू द फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज आप फाइल ऑपरेशन का यूज करके रीड एंड राइट कर सकते हो। यहां तक समझ में आया सबको प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है जिसमें रीडिंग के लिए फाइल को ओपन करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, क्लोज करना है, राइटिंग के लिए भी सेम, ओपन करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्लोज करना है। कुछ भी ज्यादा फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको काम है उतना ही आप उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, राइट के लिए या फिर रीड के लिए, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, फाइल पोजीशन पॉइंटर, मींस इसी में है आपका एंड ऑफ द फाइल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो एंड ऑफ द फाइल होता है उसको आपको अगर एक्सेस करना है तो उसमें आप कुछ फंक्शन है वो यूज करके हम एंड ऑफ द फाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइल पोजीशन पॉइंटर्स, तो कुछ पॉइंटर्स होते हैं फाइल के अंदर, जैसे आपने देखा होगा अगर वर्ड फाइल आप ओपन करते हो तो उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करते हो तो उसमें एक ब्लिंकिंग कर्सर होता है, अगर एक अंडरलाइन छोटी सी अंडरलाइन आप देख सकते हो ब्लैक कलर की, उसे कहते हैं हम कर्सर पोजीशन। ओके सो जहां पे आप उस कर्सर को लेके जाते हो वहां पे ही डेटा इंसर्ट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंटर होता है एंड उस पॉइंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेटा कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं या फिर अपेंड कर रहे हैं या फिर ट्रंकेट कर रहे हैं। सो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ फंक्शंस है, देखते हैं। सो बोथ आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम प्रोवाइड्स मेंबर फंक्शन फॉर रीपोजिशनिंग द फाइल पोजिशन पॉइंटर। सो आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट पर्पज रहे या फिर आउटपुट पर्पज रहे, दोनों में हमें क्या करना पड़ता है, कर्सर पोजीशन सेट करना पड़ता है। अगर प्रॉपर कर्सर पोजीशन अपन से आप सेट करोगे तभी आपका डेटा प्रॉपर जगह पे क्या होगा, राइट होगा या फिर प्रॉपर जगह से रीड होगा।
सो उसके लिए आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम एक एक मेंबर फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को प्रॉपर पोजीशन से रीड कर सकते हो या प्रॉपर पोजीशन पे राइट कर सकते हो. सो दीज मेंबर फंक्शंस आर सिक जी मीन्स गेट, सिक गेट, एंड फॉर आई स्ट्रीम सिक जी इज फॉर आई स्ट्रीम, एंड सिक पी मीन्स सिक पुट फॉर ओ स्ट्रीम. सो आई स्ट्रीम के लिए गेट एंड ओ स्ट्रीम के लिए पुट, ये दोनों फंक्शन यहाँ पे यूज होते हैं, सिक जी एंड सिक पी. तो दोनों सेपरेट इसके लिए यूज होते हैं. अगर आई स्ट्रीम मीन्स रीडिंग पर्पज के लिए ओपन करते हो तो सिक जी फंक्शन यूज कर सकते हो, एंड अगर आप राइटिंग पर्पज के लिए यूज करते हो तो सिक पी फंक्शन यूज कर सकते हो. द आर्गुमेंट्स टू सिक जी एंड सिक पी नॉर्मली इज अ लॉन्ग इंटीजर. सो इंटीजर वैल्यू रहेगी, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू रहेगी, जो भी आप आर्गुमेंट्स उसको पास करते हो या उसके जो भी कैलकुलेशन हो गए पॉइंटर पोजिशन के वो. सेकेंड आर्गुमेंट कैन बी स्पेसिफाइड टू इंडिकेट दी सिक डायरेक्शंस. सो डायरेक्शंस मीन्स क्या होता है, कि बिगिनिंग है, कि बीच में कहीं पे कर्सर है, या फिर कहीं पे एंड है. तो ये तीन पोजीशंस होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली. एक तो फाइल की बिगनिंग होगी मीन स्टार्ट ऑफ द फाइल, या फिर कर्सर पोजीशन कहीं तो भी होगी बीच में, एंड एक तो एंड होगा. सो ये तीन पोजीशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, जो कि हमें दो आर्गुमेंट्स रहते हैं सिक्स जी एंड सिक्स पी में. सो पहली जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर वैल्यू रहेगी, मीन्स आपको कितना डेटा पोजीशंस मूव करना है, कितने पोजीशंस मूव करना है उसकी ऑफसेट वैल्यू रहेगी. एंड द सेकेंड वन इज डिरेक्शन. ओके, तो वो देखेंगे हम. सो सिक डिरेक्शंस कैन बी आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन बैग. बैग मीन्स बिगिनिंग. ओके, एंड ये डिफॉल्ट वैल्यू है. बिगिनिंग मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पोजिशन रिलेटिव टू दी बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रीम. तो जैसे मैंने कहा था कि सिक पोजिशन अगर आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, सो आप आईओएस डॉट सॉरी स्कोप रिजोल्यूशन बैग यूज कर सकते हो. देन द नेक्स्ट वन इज आईओएस स्कोप रिजोल्यूशन सी यू आर फॉर कर्सर पोजिशन. फॉर पोजिशनिंग रिलेटिव टू द करंट पोजिशन इन अ स्ट्रीम. सो जहां पे अगर कर्सर है उसके हमें आगे या पीछे देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्सर पोजिशन से मूव करना है पॉइंटर, तो उसके लिए सी यू आर यूज कर सकते हैं. देन स्ट्रीम और आईओएस एंड फॉर पोजिशनिंग रिलेटिव टू द एंड ऑफ द स्ट्रीम. जितना भी डेटा है सबसे लास्ट पोजिशन होगा वो है एंड. सो एंड से भी आप मूव कर सकते हो. ओके, सो कुछ फंक्शन है उसमें, वो भी देखेंगे हम. द फाइल पोजिशन पॉइंटर इज एन इंटीजर वैल्यू दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन इन द फाइल एज अ नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल स्टार्टिंग लोकेशन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशनिंग द गेट फाइल पोजिशन पॉइंटर आर. सो जो भी फाइल पोजिशनिंग पॉइंटर होगा, मीन्स वो एक वैल्यू रहेगी, इंटीजर वैल्यू रहेगी, कि कितने बाइट्स आपको मूव करना है. जितने भी बाइट्स आपको मूव करना है उसकी एक वैल्यू रहेगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिक्स जी यूज किया है, मीन्स आपका किसके लिए यूज किया होगा सिक्स जी. टाइप योर आंसर. सिक्स जी कहाँ पे यूज करते हैं एंड सिक्स पी कहाँ पे यूज करते हैं. सिक्स जी फॉर आई स्ट्रीम. ओके, गुड पायल. सो सिक्स जी यूज होता है आपके रीडिंग पर्पज के लिए, मीन्स आपके इनपुट के लिए, एंड सिक्स पी होता है आउटपुट के लिए. सो सिक्स जी यूज किया है मीन्स रीडिंग पर्पज के लिए हमने फाइल ओपन किया है, जिसमें हमें अभी रीड करना है डेटा, एंड कुछ पोजीशन के ऊपर रीड करना है डेटा. सो कितना डेटा रीड करना है यहाँ पे हम देख सकते हैं. देखिए फाइल ऑब्जेक्ट जो कि हमारा आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रहेगा डॉट सिक्स जी. ओके, डॉट सिक्स जी फंक्शन इन ब्रैकेट एन. सो यहाँ पे सिर्फ ऑफसेट वैल्यू दिया है, सिर्फ
सिर्फ ऑफसेट वैल्यू दिया है मीन्स कितना डेटा रीड करना है हमें एंड कितना डेटा कहाँ से रीड करना है। अगर यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स होंगे तो हमें कहाँ से डेटा रीड करना है, सो उसके लिए हम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बिगनिंग। सो बिगनिंग से लेके एन पोजीशन तक हमें क्या करना है, उसे मूव करना है पॉइंटर को, बिगनिंग से लेके एन पोजीशन तक। देन द नेक्स्ट वन इज पोजीशन एन बाइट्स फॉरवर्ड इन द फाइल ऑब्जेक्ट। सो फाइल ऑब्जेक्ट मीन्स आपका आई स्ट्रीम डॉट सिक्स जी इन ब्रैकेट, यहाँ पे अभी दो आ गए हैं, एक तो आपका डिरेक्शन एंड ऑफसेट वैल्यू। सो ऑफसेट वैल्यू एन जो भी रहेगी वो इंटीजर वैल्यू रहेगी, एंड कर्सर पोजिशन लिखा है यहाँ पे। सो कर्सर पोजिशन से एन पॉइंट्स आगे, एन बाइट्स आगे, तो एन बाइट्स जितने भी आपने वैल्यू दिया होगा जहां पे कर्सर है आपका पोजीशन का, वहां से लेके एन बाइट आगे तक चले जाएगा पॉइंटर, मूव होगा। देन पॉइंटर सॉरी पोजीशन एन बाइट्स बैक फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल। सो हमें अगर रिवर्स रीड करते आना आना है, रिवर्स आना है, सो फाइल ऑब्जेक्ट सिक्स जी एन जितने भी बाइट्स आप दोगे एन बाइट्स एंड फ्रॉम एंड, सो एंड से लेके रिवर्स आना है रीड करते वक्त, बैक फ्रॉम एंड ऑफ दी फाइल। सो जो भी आपकी एंड फाइल रहेगा वहां से हमें रिवर्स एन बाइट्स आना है। देन पोजिशन एट एंड ऑफ दी फाइल, जीरो मीन्स कुछ भी मूव नहीं करना है, जहां पे पॉइंट आएगा वहां पे एंड कहाँ पे एंड। तो हमारा जो सिलेबस का लास्ट टॉपिक है उसमें एक टॉपिक दिया है कि हाउ टू फाइंड एंड ऑफ दी फाइल। सो एंड ऑफ दी फाइल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो सिक्स जी के लिए रहे या फिर सिक पी के लिए रहे, कहीं पे भी आप जाओगे तो भी सेम फंक्शनिंग आपको करना है। अगर आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक पी करते हो तो भी जीरो इन ब्रैकेट आईओएस एंड लिख सकते हो, ताकि आपको फाइंड आउट होगा क्या, एंड ऑफ दी फाइल। सो यहाँ पे आप एंड ऑफ दी फाइल यूज कर सकते हो। देन यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ पे सिक्स जी लिखा है मीन्स रीडिंग पर्पज के लिए। अगर आप सिक पी लिखते हो तो ये हो गया राइटिंग पर्पज के लिए, तो दोनों के लिए सेम ही है, मैंने दोनों के लिए नहीं लिखा है, पर पुट के लिए अभी अगर आपको तो लेना है कर्सर पोजीशन तो सेम सिर्फ जी के जगह पे पी आ जाएगा, मीन्स सिक जी है तो सिक पी आएगा। बाकी ऑफसेट वैल्यू भी आप दे सकते हो एंड जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, बिगिनिंग कर्सर पॉइंट एंड एंड, तीनों डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हो आप। समझ में आया सबको ये इतने फंक्शंस सिक जी के? हाँ फॉर राइटिंग एंड फॉर रीडिंग। सो ये रीडिंग के लिए दिखाया है मैंने, राइटिंग के लिए आप ले सकते हो, सिर्फ चेंज क्या करना है, सिक जी के जगह पे सिक पी लेना है, बाकी के जो आर्गुमेंट्स है वो सेम ही रहेगा उसमें। सो पॉइंटर पोजिशन हमें फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन यूज होते हैं, सिक पी एंड सिक जी, एंड मूव करने के लिए स्पेसिफिकली आपको अगर पॉइंटर पोजिशन मूव करना है वो बिगिनिंग से रहे या फिर एंड से रहे या फिर बीच में कहीं पे भी कर्सर जहां पे होगा वहां से रहे, तो उसके लिए आपको ये सिक जी एंड सिक पी आप यूज कर सकते हो बाय फॉर आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। चलो आगे बढ़ते हैं। सो और एक प्रोग्राम है किस तरीके से ये कर्सर पोजिशन फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए। सो यहाँ पे जैसे सिक जी एंड सिक पी ये फंक्शंस है, उसी तरीके से टेल जी एंड टेल पी ऐसे दो फंक्शंस है जिनको आर्गुमेंट्स नहीं है, कोई भी उसके ब्रैकेट में आप आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते हो, ये बिना आर्गुमेंट वाले है। सो इसका यूज क्या है देखते हैं हम, दिस टू मेंबर फंक्शंस विथ नो पैरामीटर्स, इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं, जैसे वहां पे थे ऑफसेट वैल्यू एंड डिरेक्शन, तो इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। ऑफ मेंबर टाइप स्ट्रीम पोजिशन, सो ये भी पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन सिर्फ पोजिशन फाइंड आउट करते हैं, ये कहीं पे भी मूव नहीं करते। अगर आपको मूव करना है तो सिक जी एंड सिक पी यूज करना है, सिर्फ पोजिशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए टेल जी एंड टेल पी, टेल जी फॉर आई स्ट्रीम टेल पी फॉर ओ स्ट्रीम, विच इज टाइप रिप्रेजेंटिंग द करंट गेट पोजिशन, जो भी करंट पोजिशन रहेगी, गेट पोजिशन, पुट पोजिशन, गेट मीन्स रीडिंग के लिए, पुट मीन्स राइटिंग के लिए। सो वो करंट पोजिशन आपको शो करने के लिए, करंट पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए आपको टेल जी टेल पी आप फंक्शन यूज कर सकते हो। सो ये प्रोग्राम आपके सामने, वो प्रोग्राम हम देखेंगे, ऑब्टेनिंग फाइल साइज,
प्रोग्राम है कि कंप्लीट फाइल का साइज कितना है बाइट्स में, वो फाइल साइज फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम है। सो देखते हैं क्या है। आईओ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम, उसके बाद इंटीजर मेन स्ट्रीम पोजीशन। अभी यहाँ पे देखिए टेल जी एंड टेल पी के लिए हमने स्ट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो उसका टाइप क्या रहता है, स्ट्रीम पोज। सो स्ट्रीम पोज डेटा टाइप उसका आपको कह सकते हो। सो स्ट्रीम पोज डेटा टाइप में हमने बिगिनिंग एंड एंड दो वेरिएबल लिए है जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है। देन आई एफ स्ट्रीम मीन्स फॉर रीडिंग पर्पज हमने फाइल ओपन किया है। माई फाइल इन ब्रैकेट एग्जाम्पल डॉट बीन, बीन फाइल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें डेटा बाइट्स में रीड करना है एंड डेटा आपको बाइनरी वैल्यूज में होना चाहिए, इसलिए बाइनरी वैल्यू को हमने बाइनरी फाइल को ओपन किया है, एग्जाम्पल डॉट बीन। iOS बाइनरी में, बाइनरी जो भी आपकी फाइल होगी उसको बाइनरी पोजिशन में, बाइनरी टाइप में अगर आपको ओपन करना है, बाइनरी वे में ओपन करना है, तो हम फाइल मोड क्या यूज करते हैं, बाइनरी, जो हमने फाइल मोड के वक्त देखा था। सो यहाँ पे बाइनरी में यूज किया, ओपन किया है उसे। देन बिगिन इज इक्वल टू माई फाइल जो कि हमने आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट टेल जी, एंड टेल जी क्या करेगा, रीड करेगा करंट पोजिशन जो भी होगी किसकी, पॉइंटर की। सो पॉइंटर करंट पोजिशन कहाँ पे स्टोर कर देगा, वो बिगिनिंग में, बिगिनिंग की जो पोजिशन है वो बिगिन में स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। देन माई फाइल डॉट सिक्स जी, अभी हमें क्या करना है, मूव करना है आपके पॉइंटर को कहाँ पे, एंड में, कहाँ पे मूव करना है, एंड में। सो एंड यहाँ पे मोड यूज किया है मैंने डायरेक्शन, एंड ये पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, फाइल के एंड में चला जाएगा। जैसे ही फाइल का एंड आपको मिल जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, एंड इज इक्वल टू माई फाइल डॉट टेल जी, अगेन पॉइंटर कहाँ पे चला गया है, एंड में, पहले कहाँ था, बिगिनिंग में। सो बिगिनिंग की वैल्यू हमने स्टोर कर दिया बिगिन में, एंड अभी एंड पे चला जाने के बाद एंड की पोजीशन हमने एंड में स्टोर कर दिया है। देन माई फाइल डॉट क्लोज, अभी फाइल का काम हो गया, हमने उसे क्लोज कर दिया। देन सी आउट साइज इज एंड माइनस बिगिनिंग, जो भी एंड की वैल्यू रहेगी माइनस बिगिनिंग की वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 बाइट का डेटा वहाँ पे स्टोर है, मीन्स 40 बाइट का वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है, सो बिगिनिंग पोजिशन रहेगी 0 एंड एंड पोजिशन रहेगी 40। सो 40 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 40। सो यहाँ पे 40 बाइट्स डेटा आ जाएगा। अगर 100 बाइट का होगा तो 100 आ जाएगा। जितना भी डेटा होगा उसको स्टार्टिंग पोजिशन से एंडिंग पोजिशन में आपने रीड किया एंड उसको शो कर दिया। तो इस तरीके से आप आपके फाइल में जो भी डेटा है उसको आप रीड कर सकते हो एंड उसका एंड ऑफ द फाइल भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है कंप्लीट ओओपी का। इसके बाद हम जो भी सेशंस लेंगे उसमें एग्जाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से वो पूछा जाता है, उसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम हर एक रिमेडियल सेशंस में या फिर रिपीटेड जो लेक्चर्स है उसमें हम लेते जाएंगे। तो करंटली जितना भी एनालिसिस है आपके पेपर का वो मैं देखूंगा एंड उस तरीके से आपको बताते जाऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सो यहाँ तक तो आ गए हम। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, हाउ टू फाइंड द एंड ऑफ द फाइल। हाउ टू फाइंड एंड ऑफ द फाइल, फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एंड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका सिलेबस का है, लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, हाउ टू फाइंड एंड ऑफ द फाइल। क्लोज फंक्शन अगर कर दिया तो फाइल ही क्लोज हो जाएगी। तीन फंक्शंस कौन से हमारे, एक तो ओपन है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड थर्ड वन इज क्लोजिंग फंक्शन। सो ओपन एंड क्लोज किस तरीके, किस लिए है, नॉर्मल भी अगर आपने बुक रीड करना है, आपको आपकी ओओपी की बुक है जिसको रीड करना है, सो आप उसको ऐसे दूर रख के ओपन, बिना ओपन किए रीड कर पाओगे क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, उसको पकड़ना है, उसको ओपन करना है, उसके बाद रीड करना है जो भी डेटा रीड करना है एंड उसके बाद क्लोज करके उसे रख देना है। उसी तरीके से यहाँ पे हम फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे ओपन करना है, उसके बाद क्लोज करना है,
उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन उस फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल का एंड कहाँ पे है, उस फाइल की इंफॉर्मेशन जितने भी उसमें स्टोर है उस इंफॉर्मेशन का एंड कहाँ पे है। समझो एक पैराग्राफ है जिसमें 100 लाइंस का डेटा है, सो स्टार्टिंग पोजिशन एक रहेगी, उसके बाद एक एंडिंग पोजिशन रहेगी। सो स्टार्टिंग पोजिशन मीन्स आपका होता है बिगिनिंग, एंड एंडिंग पोजिशन मीन्स होता है एंड। सो वो एंड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? एनीवन वांट्स टू गिव आंसर? क्योंकि अभी तक मैंने जितना लास्ट का टॉपिक लिया है उसी में मैंने आंसर बता दिया था उसका, और मैंने ये भी बोला था कि मैं ये जो फंक्शंस ले रहा हूँ वो फंक्शंस आपका जो सिलेबस का लास्ट का जो टॉपिक है, फाइल मोड्स एंड एंड ऑफ द फाइल, हाउ टू फाइंड एंड ऑफ द फाइल, ऐसे कुछ तो भी है। सो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मैंने सिखाया नहीं, सिखाया है लेकिन मैंने सीधे सीधे नॉर्मल वे से सिखाया है, मैंने वो टॉपिक का स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाउ टू फाइंड एंड ऑफ द फाइल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। सम स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर्स इन चैट बॉक्स। ओके आई वांट टू सी कॉपी फाइल टू अनदर फाइल, ये अलग टॉपिक हो गया सौरभ। कॉपी का वो आपको एक फाइल से डेटा रीड करना होगा, उसे आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, उसके बाद वो डेटा फिर आपको दूसरे फाइल में राइट करना होगा। सो आप उसको रीड एंड राइट ऑपरेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है एंड ऑफ द फाइल का वो है, प्रज्वल लिखा है एंड, ओम ओके ओके ठीक है, तो पहले भी लिखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी फाइल टू अनदर फाइल मीन्स एक फाइल का डेटा आपको दूसरी फाइल में कॉपी करना है ना। हाँ, तो वो क्या करना है उसको, उसके लिए भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। ये जो प्रोग्राम हमने देखा था लास्ट का रीडिंग एंड राइटिंग का, ठीक है, ये प्रोग्राम जो देखा है हमने, यहाँ पे आप इसको रिवर्स कर दो, मीन्स एक फाइल से डेटा रीड करो एंड दूसरी फाइल के अंदर राइट करो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेम फाइल में राइट एंड रीड ऑपरेशन किया है। सो आप क्या कर सकते हो, एक फाइल से डेटा रीड करना है एंड दूसरी फाइल में डेटा उसको राइट करना है। सो ये हो गया डेटा वन फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी। यहाँ पे आपको एक्सटर्नली यूजर इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक का डेटा रीड करना है उसी डेटा को आपको कॉपी करना है। सो ये आप कर सकते हो, सिंपल प्रोग्राम है उसमें भी। हाँ एंड पे ऊपर थे हम, एंड माई फाइल नहीं, सौरभ रिटर्न नहीं, ओम ओम से iOS स्कोप रेजोल्यूशन एंड। सो ओम का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट ही है। सो जहाँ पे आप ये प्रोग्राम देख सकते हो, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, देखिए ये जो फाइल लिखा है यहाँ पे, देख रहा है आपको, माई फाइल डॉट सिक्स जी इन ब्रैकेट 0, iOS:end, ये स्टेटमेंट शो करता है कि आप कहाँ पे कर्सर पोजिशन लेके गए हो एंड ऑफ दी फाइल। तो अगर आपको एंड ऑफ द फाइल फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। रीडिंग के लिए होगा तो सिक्स जी, राइटिंग के लिए होगा तो सिक्स पी लिखना है, लेकिन बाकी ब्रैकेट के अंदर सेम 0, iOS:end। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है एंड ऑफ द फाइल फाइंड आउट करने के लिए। तो बिगिनिंग अगर आपको करना है तो बिगिनिंग बाय डिफॉल्ट ही रहता है, उसके लिए आपको कोई पोजिशन देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट सीधे सीधे वैल्यू ले लिया था। एंड एंड अगर आपको लेना है तो पॉइंटर को पहले एंड पे लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद एंड की वैल्यू वहां पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। सो ये साइज फाइंड आउट करने के लिए, आपको एंड फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट काफी है। ओके मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, सभी लोग मार्क करो आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस बहुत ही कम है, पता नहीं कहाँ चले गए सब।
इस यूनिट के ऊपर आपकी टेस्ट रहेगी, आई थिंक कब रखना है टेस्ट इस यूनिट के ऊपर, सैटरडे या मंडे? मंडे ठीक है, मंडे को मॉर्निंग 10 बजे हमारा टेस्ट रहेगा इस यूनिट के ऊपर। इस बार तो हम एमसीक्यू टाइप में ही टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम कुछ टेस्ट सीरीज के टाइप लेंगे, तो उसके इसमें हम थेरोटिकल एग्जाम लेंगे। ठीक है, मंडे को हम रखेंगे, सैटरडे को हमारा लेक्चर है ही, सैटरडे को लेक्चर 12:30 बजे रहेगा। एंड अभी जो लेक्चर्स होने वाले आगे के वो मिस मत करना किसी को, किसी ने भी, क्योंकि उसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बताते जाऊंगा, तो वो नोट करते जाओ ताकि आपको एग्जाम में स्टडी करते वक्त इजी जाएगा। एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस।